गुड इवनिंग एंड खमा गणिसा। तो आज मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, 5:30 हो चुकी है और जो मेरा बेटा है वो सो रहा है। हमारा बेडरूम ऊपर है इसीलिए मुझे वेट करना पड़ रहा है कि वो उठ जाए, तब मैं नीचे जाके खाना बनाऊँ। तो मैं आपसे 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और दुनिया में सबसे अच्छा सारथी हमारा आत्मविश्वास है। हम जितना परिश्रम करेंगे हमारा आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। कितनी ही कठिनाइयाँ आएगी सामने और यदि हम उनको फेस कर लेंगे तो आत्मविश्वास तो ऑब्वियसली बातें बढ़ना ही है। इसलिए कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है और उनको फेस करना चाहिए डट के, तभी आप कुछ सीख सकते हो। तो मैंने आटा भी लगा लिया है और साथ ही साथ मैं कढ़ी भी बनाते जा रही हूँ और ये हल्दी कोरिएंडर पाउडर डाल के। मैं पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आज, बहुत नॉर्मल सी कढ़ी बनाई थी मैंने। हाँ, एक टिक और देना चाहती हूँ, कसूरी मेथी ज़रूर डालें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में कसूरी मेथी डालने से। तो ये कढ़ी बन रही है और साथ ही साथ सैलेड लेग भी बना रही हूँ मैं कुछ का, जो कि मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मैं ऊपर आ गई थी खाना लेके, खाना खाने के लिए। नीचे सबने खाना खा लिया था, पूरा काम वाम फिनिश करके मैं ऊपर आई थी। तो ये राइस बनाए हैं, कढ़ी, और सुबह जो भोग लगाया था तो खीर बची थी, खीर लेके आई ऊपर, और ये रोटियाँ। मैं और मेरे हस्बैंड अब खाना खाएंगे, बट उसी बीच में कुछ उठ गया था और उसके उठने की वजह से हमारा पूरा काम पेंडिंग हो गया। फिर ये ऊपर चले गए थे, मतलब मम्मी दादी सा ऊपर है रहते हैं तो उनके पास चले गए थे मिलने। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि वो आए तब खाना खाए, और ये अब नींद सोने वाला है क्योंकि इसकी नींद पूरी हो चुकी है। अब ये रात भर हमको जगाएगा और अराउंड 2-3 o'clock तक। तो मैं उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी, सो के उठाता था। नो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।